जय श्री राम। सो दोस्तों, धनतेरस के शुभ पावन अवसर पे आज आपको एक बहुत फैक्टोरियल वीडियो समझाने वाला हूं कि हमेशा हर साल या सदियों से दशहरे के 21वें दिन पे ही दिवाली क्यों मनाई जाती है, दशहरे और दिवाली के बीच में 20 दिन का डिफरेंस क्यों होता है। आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। और दोस्तों, इस चैनल के बारे में छोटी सी टिप्पणी आपको देना चाहूंगा कि ये चैनल बेसिकली मोटिवेशनल, मोर इंस्पायरिंग स्टोरी और फैक्ट्स के ऊपर काम करता है। आपका फीडबैक, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लीज कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए उसी तरीके की वीडियो और ला सकता हूं। सो दोस्तों, आइए बैक टू द वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम ये आपको बताना चाहेंगे कि दिवाली और दशहरे के बीच में 20 दिन का डिफरेंस क्यों होता है। सो वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार दशरथ जी के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम को 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है जिस वजह से उनको वन में जाना पड़ता है, और साथ ही साथ भाई लक्ष्मण और सीता माता को भी उनके साथ जाने की हट होती है। भगवान श्री राम उनको भी अपने साथ लेके जाते हैं। जब वो अपना ये वनवास काट रहे होते हैं तो उसी समय रावण सीता जी का हरण कर लेता है और वो अपने साथ उनको लंका लेके जाता है। तो इसके बाद रियलिटी ये होती है कि भगवान श्री राम अपनी पूरी वानर सेना के साथ रावण से युद्ध करने के लिए जाते हैं, और ये युद्ध 10 दिन तक चलता है। और उसके बाद जब दशहरा आता है उस दिन रावण का वध होता है, और भाई विभीषण जो कि रावण के छोटे भाई थे, और इस पूरी राम लीला के अंदर विभीषण ने राम का पूरा सपोर्ट किया था अपने भाई को हराने के लिए, जिसकी एक कहावत भी बहुत प्रसिद्ध आपने सुनी होगी कि घर का बेदी लंका डाए। सो दोस्तों, ये जो भी कहावत बनी है वो इसी के ऊपर बनी है। सो दोस्तों, उसके बाद जब रावण का वध हो जाता है, भाई विभीषण के राज्याभिषेक के बाद भगवान श्री राम वहां से अपनी पद यात्रा शुरू करते हैं जो कि अराउंड 8000 किलोमीटर की होती है, और वहां से वो अयोध्या की तरफ पहुंचते हैं। 21वें दिन जब अयोध्या वो पहुंचते हैं तो वहां के नगर निवासी उनका दीप से स्वागत करते हैं, पुष्प से स्वागत करते हैं, और इसी कारणवश वो प्रथा आज तक चली आ रही है कि दिवाली मनाई जाती है। सो दोस्तों, ये 21 दिन या ये 20 दिन का डिफरेंस सिर्फ इसी वजह से होता है कि जो भगवान श्री राम श्रीलंका से अयोध्या के बीच की दूरी 21 दिन की होती है जो वो पदयात्रा करते हैं। सो दोस्तों, ये है रियल फैक्ट जो कि आपको आज समझना था। सो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा कि आप इस पे अपना कमेंट जरूर कीजिए, और आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर के बारे में आपको जानना हो तो प्लीज़ उसको जरूर बताइए। हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।